हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और एक्स सर्विसमैन के लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट है। सो फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट अपडेट फॉर ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एक्स सर्विसमैन एंड पेंशनर्स। और हम बात करेंगे क्या ये अपडेट है और व्हाट इज़ द गुड थिंग अबाउट दिस, कि इस अपडेट में क्या अच्छी बात है, उसके बारे में वी विल टॉक इन डिटेल। हम डिटेल में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट अपडेट की। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, जिससे कि आप सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सके। एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, ये जो अपडेट है, बेसिकली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल द पीपल, वेदर पेंशनर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु हैव टेकन CGHS मेम्बरशिप। जो लोग, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या पेंशनर्स हैं, जिन्होंने CGHS की मेम्बरशिप ली है, उनके लिए इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। देर आर मैनी चेंजेस फॉर CGHS बेनिफिशरीज। जो भी CGHS के बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। एंड वी विल टॉक ऑल द चेंजेस स्टेप बाई स्टेप। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक एक चेंज, जो भी अपडेट्स हैं, एक एक करके। नाउ दिस इज़ द मेन सब्जेक्ट, कि रिवीजन ऑफ गाइडलाइंस रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेफरल सिस्टम। जो CGHS में रेफरल सिस्टम है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कि रेफरल सिस्टम कितने दिनों तक वैलिड होना चाहिए, कब तक चलना चाहिए, उसके लिए ये अपडेट है। लाइक फर्स्ट यू कैन सी कि CGHS स्पेशलिस्ट जो भी रेफर करेगा फॉर कंसल्टेशन विद स्पेशलिस्ट एट प्राइवेट हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड अंडर CGHS, दैट विल बी वैलिड फॉर 30 डेज। जो भी रेफरल होगा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए या इम्पैनल हॉस्पिटल के लिए, उसका जो रेफरल का जो वैलिडिटी होगी वो 30 दिन की होगी। आप दूसरा अपडेट देख सकते हैं कि जो रेफरल शैल बी वैलिड फॉर कंसल्टेशन अप टू 3 टाइम्स। जो रेफरल है, एक बार रेफर कर दिया तो वो जो है वैलिड होगा, उसी हॉस्पिटल में आप 3 बार कंसल्टेशन करा सकते हैं। इट्स नॉट कि यू हैव डन कंसल्टेशन फॉर 1 टाइम एंड देन अगेन यू हैव टू गो फॉर रेफरल। एक बार आप रेफरल कराइए, 3 बार आप कंसल्टेशन कर सकते हैं विद इन 30 डेज। नेक्स्ट इज रेफरल शैल बी वैलिड फॉर कंसल्टेशन विथ ए मैक्सिमम ऑफ 3 डिफरेंट स्पेशलिस्ट। एक और चीज़ कि इफ कोई भी अगर रेफर किया जाता है फ्रॉम CGHS पॉलीक्लिनिक, तो वो 3 डिफरेंट स्पेशलिस्ट से भी दिखा सकते हैं। अगर आप एक स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं और आपको नहीं पसंद आता या उसकी आपको नहीं फ़र्क पड़ता, तो उस केस में आप किसी और स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। मतलब 3 डिफरेंट स्पेशलिस्ट को आप दिखा सकते हैं एक बार रेफरल किया जाता है तो। और जो एडवाइस ऑफ CGHS मेडिकल ऑफिसर फॉर लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर कोई आपको टेस्ट करवाना है, कोई चेकअप करवाना है, तो वो जो एडवाइस है वो भी 30 डेज के लिए वैलिड है। एडवाइस ऑफ CGHS मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट फॉर लिस्टेड ट्रीटमेंट प्रोसीजर, जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो, उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की है। इनकेस आप फर्स्ट मंथ नहीं करा पाए तो सेकंड मंथ करवा सकते हैं। अगर सेकंड मंथ भी नहीं हो पाया तो यू कैन गो फॉर 3rd मंथ। उसके बाद से इफ़ एनी लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन एडवाइज्ड बाय स्पेशलिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल इज़ रिक्वायर्ड अर्जेंटली, अगर कोई अर्जेंटली करना है इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, देन इट मे बी टेकन इन द सेम हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में किया जा सकता है। और नेक्स्ट इज हॉस्पिटल्स आर इम्पैनल्ड अंडर CGHS फॉर द स्पेशलिस्ट अवेलेबल एंड नॉट बाई द नेम ऑफ द स्पेशलिस्ट। तो अभी जो भी रेफरल सिस्टम होगा वो किसी स्पेशलिस्ट के नाम पर नहीं होगा। उस टाइम पर कोई भी स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आप किसी के नाम पे लिख दिया और वो 10 दिन की छुट्टी पे है, देन इट्स नॉट गुड। अभी अल्टीमेटली क्या है कि जो भी रेफरल होगा वो उस हॉस्पिटल में, इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेशलिस्ट। जो भी स्पेशलिस्ट अवेलेबल होगा आप वहाँ उसको दिखा सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज द रेफरल ऑफ CGHS मेडिकल ऑफिसर मे बी इशूड थ्रू कंप्यूटर्स और इवन मैनुअली विथ प्रॉपर स्टैम्प ऑफ रेफरिंग डॉक्टर। जो रेफरल CGHS मेडिकल ऑफिसर का है वो इशू किया जाता है कंप्यूटर से भी, और साथ में अगर डॉक्टर के स्टैम्प है उसके थ्रू। तो
अल्टीमेटली इफ़ यू वॉन्ट टू टेक ट्रीटमेंट देयर आर नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे वेज हैं। और उसके बाद से उन्होंने अपने जो रूल है उसमें काफ़ी चेंज किया गया। आप देख सकते हैं वैलिडिटी बढ़ाई गई है, रेफरल सिस्टम का जो है हर चीज़ में वैलिडिटी बढ़ाई गई है, कंसल्टेशन के लिए, देन सेम हॉस्पिटल में जो आप तीन टाइम पे आप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी देर इज़ एन इंक्रीज इन द टाइम पीरियड। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है एंड यू शुड नो, बिकॉज हूसोएवर इज़ हैविंग दिस CGHS फैसिलिटीज़ दे शुड नो दैट इफ़ देर इज़ एनी डिले दैट मस्ट बी टेकन केयर। जिनके पास भी CGHS की मेंबरशिप है उनको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी डिले होता है तो उस केस में इसको जो है आपके पास टाइम पीरियड एक्सटेंड हो चुका है। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।